आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल्स मैगी सूप। उसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। वेजिटेबल्स में पत्ता गोभी, गाजर, मटर, बीन्स, धनिया का पत्ता, एक प्याज, छोटे छोटे टुकड़ा अदरक, दो चार लहसुन, दो ग्रीन चिल्ली, मैगी और काली मिर्च का पाउडर, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये सब को लेके हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल्स मैगी सूप। चलिए बनाते हैं। पहले हम कढ़ाई रख दिए, गरम कर लिए, तेल रख दिए और उसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिल्ली सब डाल दिए। मसाला हो गया है। अब हम धनिया पत्ते को छोड़कर सारे सब्जी उसमें मिला लेते हैं। सब्जी को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार हम उसमें नमक मिला लिए। अभी हमारा सब्जी आधा फ्राई हो चुका है। अब हम उसमें पानी मिलाएंगे, जितना हमको सूप चाहिए और वेजिटेबल्स पकने के लिए। अभी हम पानी मिला लिए हैं। वेजिटेबल्स को पकने के लिए हम ढक के छोड़ देते हैं। अभी हमारा सब्जी पक गया है। अब हम उसमें मैगी टुकड़ा करके मिला देते हैं। अभी हम उसमें मैगी मसाला भी मिला लिए हैं। फिर उसको चला लेते हैं जैसे मसाला सब सब्जी में मिल जाए। और उसमें हम दो चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लेते हैं। कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के उसको भी मिला लेते हैं। अभी हमारा सूप बन के रेडी हो गया है। हम ऊपर उसको धनिया का पत्ते में सजा लेते हैं। हमारा सूप बन के रेडी हो गई है। हमारा वेजिटेबल सूप मैगी बन के रेडी हो गई है।